Yes, नमस्कार, राजगिरी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो कलाकार जुड़ रहे हैं उनके बारे में परिचय देने से पहले अपने इस प्रयास के बारे में बता दें, हमारा प्रयास है कि हम संगीत से सकारात्मकता की तरफ बढ़ें और जो मुश्किल वक्त इस समय पूरी दुनिया के सामने है उसमें कुछ अच्छी बात करें, कुछ ऐसे संस्कारों की बात करें, कुछ संगीत की बात करें, कुछ किस्से सुने जिससे कि हमारे भीतर पॉजिटिविटी रहे, सकारात्मकता रहे। और जो कलाकार दीपक पंडित जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके बारे में इसलिए बताना जरूरी समझता हूं क्योंकि उनसे हमारी जो मोहब्बत है, रागगिरी की जो मोहब्बत है वो कई दशकों पुरानी है। और सिलसिला यूं शुरू हुआ कि 93-94 के आसपास इलाहाबाद में मैं था और वहां पर जगजीत सिंह साहब की कैसेट लेके आते थे और उनकी गजलों में एक वायलिन जो है बहुत पर्टिकुलरली और बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत मजबूती के साथ इस्तेमाल की जाती थी, तो उस वायलिन से प्यार हुआ सबसे पहले। और फिर जब वो समय आया जब जगजीत सिंह अपने लाइव कार्यक्रम में अपने म्यूजिशियंस का परिचय देते थे तो उस तब ये पता चला कि वो जो खूबसूरत वायलिन थी उसे बजाने वाले म्यूजिशियन थे दीपक पंडित जी। और फिर वो दौर भी आया जब वीडियोस देखने लगे हम लोग और यूट्यूब और तमाम दूसरे साधन ऐसे आ गए, तब दीपक पंडित जी की तस्वीर कह लें या उनके उनके चेहरे से भी परिचय हुआ। तो इसमें एक एक दशक लग गया लेकिन धीरे 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 पहले उनके साथ से परिचय हुआ, फिर उनके नाम से परिचय हुआ और फिर उनकी शक्ल से परिचय हुआ, उनके हुनर से परिचय हुआ, उनकी कला से परिचय हुआ और कंप्लीटली हम जो मोहब्बत 2.5 दशक पहले शुरू हुई थी उसमें गिरफ्तार हो गए। दीपक भाई बहुत 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 स्वागत है आपका, आपने रागगिरी के YouTube चैनल के लिए समय निकाला। लेकिन ये जो मैंने अपनी मोहब्बत का आपसे आज जिक्र किया उस मोहब्बत के मोहब्बत पे बातचीत करेंगे और बहुत अच्छी बातचीत करेंगे, लेकिन पहला सवाल, पहली तो जो क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है, वो यही है कि ये जो समय है वो मुश्किल समय है, हम सब जानते हैं, किस तरह से आपका ये समय निकल रहा है, किस तरह से लॉकडाउन का समय बीत रहा है? सबसे पहले तो शिवेंद्र जी, शिवेंद्र कुमार सिंह साहब, आपको मेरा विनम्र नमस्कार। और मैं जितने जो हमारे रागगिरी से जुड़े हुए जितने मेंबर्स हैं उन सबका, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। ये मेरे लिए मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ सका हूँ, क्योंकि जिस तरह का काम आप और आपकी सारी टीम कर रहे हैं, जो हमारे जिसको कहना चाहिए जो धरोहर है, जो क्लासिकल म्यूज़िक या फॉर्म ऑफ गज़ल म्यूज़िक, गज़ल या गीत कह लो, या हमारी जो जितनी भी जो संस्कृति है उनके लिए मैं देखता रहता हूँ, आपके ट्वीट्स देखता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ, तो इतनी खुशी होती है मुझे कि हमारा जो संगीत है वो आप जैसे लोगों के हाथ में है, जो क्योंकि क्या है कि इन चीज़ों की प्रमोशन बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और वो आप काम आप और आपकी पूरी टीम बड़े बाखूबी निभा रहे हैं, उसके लिए मैं आपको पहले धन्यवाद देता हूँ। और उसके अलावा जो अभी आपने मुझे पूछा कि मेरा लॉकडाउन कैसा चल रहा है, तो मैं सच कहूँ आपको कि एक म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है पूरे संसार में कि आदमी दिन दुनिया सब भूल जाता है। तो मुझे तो याद है कि जिस दिन आई थिंक 21 या 22 मार्च को मेरे ख्याल से जनता कर्फ्यू हुआ था, उस दिन से मैं आज तक, अगस्त शुरू हो गया, अभी तक मैं काम ही कर जा रहा हूँ और इन्जॉय कर रहा हूँ, तो मुझे लॉकडाउन का कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत अच्छी बात है दीपक भाई, और ये दिखाता भी है कि किस तरह से अगर आप अपने जीवन में अपनी कला को लेकर सकारात्मक हैं, समर्पित हैं, तो किस तरह से कला आपको आपके साथ चलती है। ये रागगिरी का सौभाग्य है कि हम आपसे आज रूबरू हो रहे हैं और मैं हमेशा ये कहता हूँ, नहीं, ये हम लोग का भी सौभाग्य है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कोई कलाकार सामने बैठा हो तो मैं वो जो इंटरनेट पे जानकारियां उपलब्ध है उनसे बहुत बचता हूँ, क्योंकि कई बार वहां जानकारियां जो है वो गलत मिलती हैं। तो ये आज हमें मौका मिला है तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो संगीत सफर था वो कैसे शुरू हुआ, कैसे आपने वायलिन से ही शुरुआत की, या कई कलाकारों के बारे में हम जानते हैं कि वो कुछ और बचपन में करते थे, बाद में उन्होंने चेंज किया, वो तबला बजाते थे, संतूर पे आ गए, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, तो आपका संगीत सफर कैसे शुरू हुआ इस पर हम जरूर जानना चाहेंगे। मेरा संगीत सफर जो शुरू हुआ सरकार, वो जब मैं आई थिंक 6-7 साल का था। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन, मेरे जो खानदान है, किस खानदान से मैं बिलोंग करता हूँ वो मैं आपको बताना जरूर चाहूँगा। आपको जी, तो पता है, लेकिन जो दर्शक देख रहे हैं उनको बताना जरूर चाहूँगा।
कि बड़ी मशहूर जोड़ी हुई थी कव्वाली की, शंकर शंभू कव्वाल जी जी, तो ये दो भाई थे शंकर जी और शंभू जी। तो शंकर जी मेरे ताऊ जी, मेरे ताया जी मेरे अंकल, और शंभू जी मेरे पिताजी। तो इन्होंने जो कव्वाली जगत में जो अपना एक मकाम बनाया, और हमारे दादा परदादा, मतलब कहना चाहिए कि एक परंपरा चली आ रही है म्यूज़िक की ख़ानदान में, तो विरासत बोल सकते हैं कि विरासत में मिला है संगीत। लेकिन पिताजी और ताऊ जी, मतलब शंकर जी और शंभू जी, ताऊ जी और पिताजी, मैं ये बड़े फख्र के साथ और बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में ये पहले और आखिरी कव्वाल हुए हैं जो तो हिंदू हैं, और जो ख्वाजा गरीब नवाज के चहेते हैं, जिनको गरीब नवाज का बोलना चाहिए रिवॉर्ड मिला है वहाँ पर, और खिताब मिला है अपना, मैं नाम भूल रहा हूँ उस खिताब का, ख्वाजा पसंद खिताब जी, अजमेर शरीफ की दरगाह, ख्वाजा गरीब नवाज साहब की जो दरगाह है वहाँ से। तो ये सिलसिला जो शुरू हुआ था कि हम तो तब पैदा नहीं हुए थे, क्योंकि हमारे जो पिताजी थे वो खुद बहुत छोटे थे, 15-16 साल के होंगे, और ताऊ जी 2-4 साल और बड़े थे शंकर जी। तो हमारे दादा की इच्छा थी कि इनकी हाजिरी हो अजमेर शरीफ में दरगाह पर, गरीब नवाज के दरगाह पर। लेकिन हिंदू थे और समय बड़ा वो, आपको पता है कि होता था कि नहीं ये कौन है क्या है, छोटे बच्चे हैं, और वहाँ पे दीवान खाने में थोड़ी इनका हाजिरी होगा, वो भी छठी शरीफ के दिन। तो दादाजी जो थे हमारे, वो उन्होंने बड़ी मिन्नत की लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो उन्होंने गरीब नवाज में अर्जी लगाई कि मैं भूखा रहूँगा, मर जाऊँगा, लेकिन जब तक यहाँ हाजिरी नहीं लगेगी मेरे बच्चों की, शंकर शंभू जी की, शंकर शंभू जी मतलब वो तो जी नहीं लगाते थे, मेरे बच्चों की शंकर शंभू की हाजिरी नहीं लगेगी तब तक मैं इस जगह से उठूँगा नहीं। तो ऐसा हुआ कि जो फिक्स होते थे सारे परफॉर्मेंसेस जो होते थे वहाँ पे, जो हाजिरी होती थी, तो वहाँ पे कुछ सिंगर्स, कुछ कव्वाल किसी रीज़न से नहीं आ पाए, दे वर स्टक समवेयर, पता नहीं जहाँ जो भी हुआ होगा उस समय। तो वो स्लॉट थोड़ा खाली था, वो स्लॉट खाली था, तो दीवान साहब के यहाँ से एक बंदा है और बोले, अरे वो कौन है शंकर शंभू, बच्चे कौन है वो, उनको बोला अंदर, दीवान खाने में बुलाया दीवान साहब ने। और उस समय करीबन कुछ सवेरे का टाइम था, मेरे ख्याल से कुछ एक 4-4:30 बजे का कुछ टाइम था, और उनको कुछ 10 मिनट का टाइम दिया गया था। तो कव्वाली का हर म्यूज़िक का अपना एक डिसिप्लिन होता है, जैसे क्लासिकल म्यूज़िक है, तो क्लासिकल में आप जो शुरुआत जो भी टाइम है, शाम का वक्त है तो आप यमन से कर रहे हो जो भी, और एंड आप करते हो भैरवी से। तो ऐसे कव्वाली के भी उसूल हैं कि आप शुरू करते हो कॉल से, और जो ख़त्म करते हो कव्वाली का प्रोग्राम वो आप करते हो सलाम से। तो छोटे थे पिताजी और ताऊजी, दोनों ही छोटे थे, तो ताऊजी ने और पिताजी ने बैठते के साथ ही, नींद में थे एकदम, और उठा के अंदर भेज दिया उनको। तो उन्होंने सलाम पढ़ दिया, सलाम आखिर में पढ़ा जाता है, तो महबूब किबरिया को मेरा सलाम कहना, मेरा सलाम कहना। तो ये शुरू कर दिया। अब इसमें क्या होता है कि डिसिप्लिन, मतलब जो कायदे हैं, जो कानून है, और जो एक फॉर्मेट है, उसके हिसाब से सलाम के बाद म्यूजिक नहीं होता, जैसे क्लासिकल में भैरवी के बाद नहीं करते, वैसे जैसे जागरणों में तारा रानी की कथा के बाद बस समापन हो गया। तो ऐसी लॉ लग गई थी वहाँ पर, ऐसी लॉ लग गई थी भाई, मैं क्या बताऊँ आपको, कि आज भी वहाँ पे चर्चे होते हैं, उस समय मीडिया वगैरह नहीं हुआ करता था। और पहली बार ऐसा हुआ अजमेर शरीफ की दरगाह में, ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पर, कि 5:30 कब बज गए पता नहीं चला, और जो सुबह का जो पहली अजान जो होती है, तो वो जो शख्स थे जिनको अजान देनी थी वो भूल गए अजान देना, और वो घंटा बजाना भूल गए। और वहाँ पे ऐसा माहौल था, दीवान खाना जो था वहाँ पर, लोगों को हाल आ रहा है, लोग टक्करे मार मार के रो रहे हैं, सफ़ेद दीवार जो खून से लाल हो गई थी, और आवाज़ आई सुभान अल्लाह की। तो दीवान साहब खड़े हो गए, खड़े होके बंद कराए,
तो ये इतिहास में ये चीज़ दर्ज हो गई है कि वो अजान का टाइम टल गया और वहाँ से जो आवाज़ आई सुबहान अल्लाह की, और वहाँ पे महबूब साहब थे जिनका स्टूडियो है बहुत बड़े, आपको पता है महबूब साहब को पूरी दुनिया ने थी, तो महबूब साहब हाँ जी पिताजी को और ताऊजी को बॉम्बे महबूब साहब लेके आए थे। अच्छा, तो तब बॉम्बे नाम होता था, मुंबई हो गया, पहले भी मुंबई था, मुम्मा देवी के नाम से मुंबई था। तो फिर मुंबई आने के बाद उनका स्ट्रगल चालू रहा, स्ट्रगल तो नहीं कह सकते, वो अपने काम से बड़ा प्यार करते थे, तो उनकी कुछ कुछ चीज़ें मेरे अंदर भी आई है, मैं भी मेरे काम से बहुत प्यार करता हूँ, बे इंतहा इश्क जिसको बोलते ना वो करता हूँ मैं। तो जब यहाँ आ गए, यहाँ का सिलसिला शुरू हो गया और नाम धीरे धीरे बहुत बढ़ता गया बहुत बढ़ता गया। और पिताजी ने और ताऊ जी ने हमेशा राग बेस्ड काम किया, रागों के ऊपर आधारित कंपोज किया है, और हमेशा उन्होंने जो कवाली गाई है वो नात शरीफ या कौल कह लो या सवेला, मतलब वो ख्वाजा पसंद की चीज़ें गाई है, ख्वाजा की शान में गाई है, दूसरा कभी नहीं गाया उन्होंने कुछ भी, ना उन्होंने कभी कोई लाइफ में कंपटीशन किया है, ना किसी के साथ बोलना चाहिए कि कोई बोल रहा है इस ढंग के कवाली है वो गाते, तो वो नहीं, वो गाते थे सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज साहब के लिए। सूफीज्म इज व्हाट ऑल अबाउट इज यू नो, देयर आर मेनी पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज सूफी म्यूजिक। सूफी म्यूजिक कुछ नहीं होता, सूफी म्यूजिक नाम का कोई चीज नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में जो दरगाह है हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब की जो दरगाह है, तो अमीर खुसरो साहब वो जैसे उनके पीर हैं, तो वो उनके ही उनको ही देखते थे और जो गाते बजाते थे उनके लिए ही करते थे, उनमें लीन हो जाना, उनमें पागल हो जाना, उसको सूफीज्म बोलते हैं। कि ये मेरे पीरो मुर्शिद हैं, बस यही मेरी दुनिया है। अब उसको जू मायने भी कर दिया, आगे टाइम में आने के बाद वो महबूब से भी रिलेट कर दिया, वो पीरो मुर्शिद से भी रिलेट कर दिया, लेकिन विच इज रॉन्ग एक्चुअली। तो ये बड़ी लंबी हजरत अमीर खुसरो साहब आई थिंक 850 साल 700 साल पुरानी बात होगी ये कम से कम, जिन्होंने कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट किए हैं वो सबको पता है, आपको 100% पता होगा। तो ये हमारा जो म्यूजिक है ये बड़ा ही पारंपरिक म्यूजिक है। और पिताजी की ताऊ जी की जर्नी शुरू हो गई और बहुत सारे कंसर्ट्स होने लगे, बहुत सारे बैठते घर पे रहते नहीं थे तो हम तो बहुत लेट पैदा हुए, फिर उन्होंने अपने गुरुओं के आशीर्वाद से बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से बॉम्बे में बंगला बनाया, तो वो वहाँ हमारा जन्म हुआ। फिर उसके बाद जब छोटा था मैं तो पिताजी की जो ट्रेनिंग थी वो ये थी कि पहले आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट लीजिए उससे पहले आप गाना सीखिए, गाना सीखना ज़रूरी है, गाना सीखना इसलिए ज़रूरी है कि आपके दिमाग में सारे सुर वो बैठ जाने चाहिए, छप जाने चाहिए, समझे ना। तो हारमोनियम सिखाया, तो हारमोनियम पे ब्लैक कीज के ऊपर सा, फिर रे, फिर गा, वो ऐसे कागज़ के टुकड़े पे लिख करके सब, और फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, देन थम, देन फर्स्ट, तो वो सब प्रोसीजर जो था वो चल रहा था। लेकिन वो कहते ना कि बच्चे का जो दिमाग होता है वो खाली होता है, उसमें आप जो चीज़ भर दोगे वो भर जाएगी, तो वो चलता रहा, गाने का रियाज हुआ, गाना शुरू किया, फिर हारमोनियम सीखा, फिर उन्होंने अपना तबला सिखाया हमको। आई यूज टू प्ले तबला। वो उसका रीजन ये है कि खाली गाने से काम नहीं चलेगा, या खाली कोई इंस्ट्रूमेंट ले लोगे आप नहीं चलेगा उससे, आपको रिदम का भी इल्म उतना ही होना चाहिए। एवरी म्यूजिशियन शुड लर्न एनी रिदमिक इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद वो उसको गिटार करना है, पियानो करना है, वोकल मतलब ट्रेनिंग सीखना है या जो भी करना है, बट पहले आपको रिदम का ज्ञान बहुत जरूरी है। रिदम को लोग बड़े हल्के में लेते हैं बट वो बहुत बड़ी चीज है संगीत में। लेकिन दीपक भाई ये वायलिन कैसे हाथ में आया आपके? अच्छा, उससे पहले हमारी जो ट्रेनिंग हुई कि रेडियो में ऑडिशन देना है, अब उस ऑडिशन को क्यों देना है उसके पीछे एक कहानी है कि आपको मिनिमम 120 राग याद करने पड़ेंगे सुबह अर्ली मॉर्निंग, ये 120 मिनिमम आपको राग याद करने पड़ेंगे। तो वो ऑडिशन एक खाली बहाना था
रेडियो ऑडिशन, वो ये था कि उस चक्कर में ये इनको रागों की नॉलेज होगी और हर रागों का अपना एक टाइम होता है, उस टाइम का असर होता है, इसलिए उस राग ललित जो है सवेरे का राग है या अपना अहिर भैरव, तो उनका एक अपना सुरों का एक एक वो तार जुड़ा होता है उस टाइम टाइम के साथ, तो साइंटिफिक रीजन भी है इसके। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो डर से करना पड़ा, तो वो करने के बाद वहाँ तो खैर मैं फेल हो गया रेडियो में तो, और कर नहीं पाया, बट उस चक्कर में राग वगैरह याद हो गए, तराने तिरवट और अपना चतुरंग या बड़ा ख्याल छोटा ख्याल ठुमरी कजरी, इन बीच में ठुमरी कजरी के बीच में कितने लोगों को पता ही नहीं कि क्या फासला है, तो वो सारी चीज़ें बचपन में यहाँ आ गई थी। हारमोनियम भी सीख गया, तबला भी सीख गया था थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद गाना तो किया ही था। देन वन डे आई वॉज वॉचिंग टीवी, तो उसमें तब मैं था मेरे ख्याल से छः सात साल का था, तो मैंने पापा को पूछा, पापा ये जो बच्चा है, मैं खुद बच्चा था लेकिन जो सामने जो टीवी पे मैं जिस आर्टिस्ट को देख रहा था जो मैंडलिन बजा रहे थे, जिनके कारण मैंने ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मेरा वायलिन मैंने शुरू कैसे किया। अच्छा, पिताजी यूज टू प्ले वायलिन, अच्छा साइड सिंगिंग, हाँ हाँ बहुत अच्छा वायलिन, उनका ही वायलिन मैं यूज करता हूँ बजाता हूँ अभी भी, अभी वो ऑलमोस्ट कुछ 206 साल पुराना हो गया वायलिन जी, एंटिक पीस में आता है जी। तो मैंने बोला कि पिताजी ये जो बजा रहे हैं, ये जो लड़का बजा रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, ये साज का नाम क्या है, बोला इसको मैंडोलिन कहते हैं। मैंने तो कितना अच्छा बजा रहे हैं ये, फिर मैंने बोला ऊपर एक बड़ी सारी अलमारी थी उसके साइड में ऊपर वायलिन रखा होता, तो मुझे पता भी नहीं था कि वायलिन और मैंडोलिन में 6-7 साल के बच्चे को क्या पता चलेगा, मैंने ये क्या है, तो बोले ये वायलिन है। तो मैंने ना इसमें और ये जो लड़का जो बजा रहा है ये इसमें क्या फ़र्क है, बोला ये प्लेक्ट्रम से बजता है, इट्स अ स्ट्रोक इंस्ट्रूमेंट एंड वायलिन इज बोइंग इंस्ट्रूमेंट, गज गज बोलते थे, गज से बजता है। अच्छा, तो मैंने बोल तो दिया भैया कि मुझे सीखना है वायलिन, और अभी मैं क्या बताऊं, उनका जो रिएक्शन था, उनके आंख में आंसू थे, एंड ही सेड कि चलो मुझे इस चीज की खुशी है कि मेरे बाद मेरा इंस्ट्रूमेंट बंद नहीं होगा। क्या बात, अब वो जो लड़का जो मैंडोलिन बजा रहे थे, जो ओतोना भविष्य जिसको मैं कहता हूँ, जो मेरे आइडल, और ऐसे कलाकार हजारों साल बाद भी नहीं पैदा हो सकते, ये मेरा यकीन है, वो थे यू श्रीनिवास। क्या बात, तो उनका मैंडोलिन सुन करके आई स्टार्ट लर्निंग वायलिन फ्रॉम माय फादर, तो मैंने क्लासिकल की ट्रेनिंग उनसे ली वायलिन की। देखिए, मैं आपसे कह ही रहा था कि बहुत सारे कलाकारों की ये कहानी होती है कि वो सीखना कुछ और शुरू करते हैं और फिर वो फाइनली कन्वर्ट होता है किसी और चीज में, लगभग वैसी ही कहानी आपकी भी है। तो उसमें मूर्छना भेद भी होता है, स्किल प्रैक्टिस भी होती है कि गंधार को सा बनाओगे तो ये राग हो गया, मध्यम को सा बनाया तो बिना ट्यूनिंग चेंज किए, तो वो प्रैक्टिस शुरू हुई। एक दिन करते करते यहाँ दर्द हो गया, छेद पड़ गया हाथ में, कभी कभी पूरा लाल हो जाता था, तो छोड़ दिया मैंने, मेरा मेरे से नहीं होगा, तो थोड़े नाराज हुए, बट उसके बाद बोला कर लेगा तो तेरे लिए अच्छा है, मेरा इंस्ट्रूमेंट भी तो पड़ा रहेगा, तो मैंने फिर से किया, और जितना भी हुआ मुझसे मैंने किया, बाकी उनका आशीर्वाद है। तो वो करते 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 आज भी कर रहा हूँ और डेली रियाज करता हूँ। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा साथ में नहीं रह पाया था पिताजी के साथ, क्योंकि वो तो ट्रैवल ही करते रहते थे, लेकिन जब ताऊ जी का देहांत हुआ तब उन्होंने गाना बंद कर दिया था, तो उन्होंने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, और घर में सबसे छोटा मैं हूँ। अच्छा, तो सारे भाई जो हैं वो पिताजी के स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, मेरी बदकिस्मती है, बट कहते ना कि ईश्वर एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है, बिल्कुल। तो एक फंक्शन में मुझे जगजीत अंकल मिल गए, और मैं
उस समय मतलब सभी जगह काम करता था। मैं होटल में बजाता था वायलिन, एक होटल में मैं तबला बजाता था, प्रेसिडेंट होटल कोलाबा में, वहाँ मैं तबला बजाता था। एक सिंगर थे तपस कुमार, उनके साथ। हाँ, और दो दिन वहाँ तबला बजाता था और एक दिन ताश तंजौर में वायलिन बजाता था, साउथ बॉम्बे में। और दो दिन लीला पेंडा होटल में पियानो के साथ, तबले के साथ वायलिन बजाता था, इंस्ट्रूमेंटल। तो वो मेरा रियाज होता था, सुनता तो कोई था नहीं वहाँ, मेरा रियाज होता था। एक कोई राग पकड़ लिया अपना और रियाज कर रहे। कितनी बार वहाँ प्रेसिडेंट होटल में रात की ट्रेन होती थी 12:40 की, तो वो छूट जाती थी, तो स्टेशन पे ही रहता था, सुबह 3:40 का वेट करता था कि पहली ट्रेन निकलेगी फिर घर जाऊँगा। तो वो भी, लेकिन वो मज़ा लिया मैंने उस लाइफ का, बहुत अच्छा आनंद लिया मैंने। मैं गिव अप नहीं किया मैंने कभी भी, और अपने उसूलों को नहीं छोड़ा मैंने। मतलब मैं आज देखता हूँ तो मैंने लाइफ में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कभी नहीं। खास करके जहाँ बात म्यूज़िक की आती है, तो म्यूज़िक में मैंने कभी कभी लाइफ में कंप्रोमाइज़ नहीं किया।